मैं अग्नि पुराण की पवित्र व्यासपीठ पर बैठा हूँ, इस कथा को भी लेकर के चलना है। तो श्रीमद् भगवद गीता, आज गीता जयंती है इसलिए कुछ चर्चा गीता के ऊपर कर ली गई थी, और संजय के मुख का निकला हुआ जो अंत में लास्ट में जो दो श्लोक बोल करके मैं पुनः अग्नि पुराण की तरफ ही मैं बढ़ता हूँ। ये कहता है, तच्च संस्मृत संस्मृत्यः रूप मद्यद्भुतम हरे विस्मयो मे महान राजन हिशामी च पुनः पुनः। 18वें अध्याय का 77 नंबर का श्लोक है, कहता है, हे राजन, भगवान श्री कृष्ण के उस अत्यंत अद्भुत रूप को भी याद करके मुझे बड़ा भारी आश्चर्य होता है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूं। जो विराट रूप दिखाया और संजय ने पूरा बताया, लेकिन इसके ऊपर कोई उसका फर्क नहीं पड़ा। संजय कहता है कि मेरी आंखों में बस वही रूप घूमता है, और जिसने पूरी श्रीमद् भगवद गीता सुन ली है वो यही वाक्य बोलेगा। कथा सुनने के परिणाम क्या निकलते हैं ये संजय ने स्पष्ट शब्दों में बोल दिया। ये लास्ट के जो दो श्लोक हैं जो संजय ने कमाल कर दिया है। गीता सुन ली है ना, तो श्रीमद् भगवद गीता सुनने के बाद तो स्थिति यही होती है। क्या कहता है, संजय के अंदर आह्लाद हो रहा था। आप कथा सुनते हैं, कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं, कभी नाचने का मन करता है। ये संसार के सुखों से तो ये बहुत उठ करके हट करके बहुत ज़्यादा अटके, जो आह्लाद जो अंदर से आता है उसका मुकाबला संसार की कोई वस्तु कर ही नहीं सकती। और श्रीमद् भगवद गीता सुन करके और ये संजय उसी श्रेणी पर पहुँच चुके थे। संजय के भीतर एक आह्लाद उमड़ उमड़ करके उछल उछल करके ये प्रीति जाहिर कर रहा था। क्या कर रहा था, वो दो बातें इसके सामने रख रहा था। वो बोल रहा था कि जीव जब अर्जुन बन जाता है तब परमात्मा उसका सारथी बन जाता है, और जब कोई जीव अर्जुन बन जाए और परमात्मा उसका सारथी हो जाए, राजन एक तो तुम्हारे पुत्र की बात क्या है, पूरी सृष्टि भी उसका सामना करने को आए तो वो निष्फल हो जाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी। विस्मयो में महान राजन, इसको आश्चर्य यह हो रहा था, इतनी घटनाएं घटी और ऐसे ईश्वर को तुम नहीं समझ पाए, इसको ये आश्चर्य हो रहा था। ये बात हमारे और आपके लिए, ऐसे परमात्मा के चरित्र हम सदियों से सुनते सुनते आ रहे हैं, फिर हम बोके बो ही रहते हैं। संजय कहता है कि प्रभु चरित्र सुनने के बाद तो जीवन में बदलाव आ जाना चाहिए। संजय का एक अंतिम श्लोक और सुन लीजिए, फिर मैं अग्नि पुराण की तरफ चल रहा हूं। बहुत प्यारा श्लोक है ये, मुझे और आपको सिर्फ कंठस्थ ही नहीं हमारी धमनियों में होना चाहिए। पूरा देश सुन रहा है इस व्यासपीठ को। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक नंबर 78 यत्र योगेश्वर कृष्ण। जब संजय ने पूछा ना, जब धृतराष्ट्र ने पूछा क्या हुआ क्या हुआ, और अभी युद्ध पूरा नहीं हुआ है और परिणाम संजय ने घोषित कर दिया। एक बार संजय के लिए ताली बजाओ, मेरा मन जीत लिया संजय। युद्ध तो अभी बकाया है, बहुत बकाया है युद्ध, और इस भगवत भक्त ने बिना चापलूसी के, बिना लीपा पोती के, और ऐसा शब्द कह दिया है जो आनंद देने वाला था। अब बोना सुधरा तो कौन क्या करे। बाबा तुलसी ने सुंदरकांड के दोहा नंबर 37 में एक बड़ी सुंदर बात कही थी कि तीन लोग चापलूस होंगे तो सब समाप्त हो जाएगा। सच वेद गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस। सलाह देने वाला चापलूस हो जाए, संजय चापलूस नहीं था, ये इसकी बड़ी विशेषता थी। और हस्तनापुर नरेश के सामने कोई इतनी बड़ी बात कह दे
तो ये बात साधारण नहीं थी, बहुत बड़ी बात थी। क्या कह दिया? कहा कि राजन मुझे अचम्मा हो रहा है। इसमें ही तो लिखा है विस्मयो में महान राजन स्वामी च पुनः पुनः। वो क्या अचम्मा था, क्या आश्चर्य था? वो आश्चर्य यह था कि मुझे आश्चर्य यह हो रहा है जिस अर्जुन के सारथी द्वारकाधीश बन चुके हैं तो भी अभी तुम अपने पुत्रों की विजय की आस लगाए हुए हैं, मुझे यह अचम्मा हो रहा है, मुझे आश्चर्य हो रहा है, मुझे अचम्मा हो रहा है। विस्मयोग में महान राजन स्वामी च पुनः पुनः, यह आश्चर्य हो रहा है। मुझे आश्चर्य यह हो रहा है कि कृष्ण की तो रिश्तेदारी से तुम जुड़े हो, क्या तुम्हें यह नहीं पता कि वह कृष्ण है जिस कंस का सामना करने वाला कोई था नहीं धरा पर, उसको परास्त इन्होंने किया। वो जरासंध को कौन, जरासंध का मुकाबला कौन करने वाला था, लेकिन जरासंध की एक नहीं चली। और ये सब इतिहास सुनकर और पढ़कर के भी और महामूर्ख बने हुए बैठे हो, ये सब समझने के तत्पश्चात भी मुझे आश्चर्य यह हो रहा है कि दुनिया का ये पहला बाप है जो अपने पुत्रों को मरना देखना चाहता है, मुझे इस बात का आश्चर्य हो रहा है। ये पहला बाप है इस पूरी दुनिया का जो अपने बेटों की मृत्यु को रोकने के लिए कुछ नहीं कर रहा है। मुझे अचंभा हो रहा है, मुझे आश्चर्य हो रहा है, विस्मयो। और तत्पश्चात जो लास्ट का श्लोक बोला है, हम और आप जैसे लोग तो संजय की बात मान लेते, जो संजय ने जो अंत में जो बात कही, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयोर्भूति ध्रुवानी तीर्मतिर मम। इस श्लोक में कहा, गीता के इस ऐतिहासिक श्लोक का चिंतन लोगों ने किया, लोगों ने इसके ऊपर पीएचडी किए, इस श्लोक के ऊपर बड़े बड़े शोध किए गए और इस श्लोक को तो कर्मकांड की पूजा में जोड़ दिया गया। जो यह श्लोक है, जो ये बोला जा रहा है, संजय के मुख की निकली आवाज, जो गणेश पूजन से पहले कर्मकांड में कुछ श्लोक बोले जाते हैं, गणेश स्तवन के, गणेश स्तुति के शांति श्लोक भी कुछ हैं और उसमें इसको जोड़ दिया गया। तदेव लग्नम सुदिनम तदेव तारा बलम चंद्र बलम तदेव, ये 14-15 श्लोक हैं, उसमें ये श्लोक जोड़ दिया गया। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुधर तत्र श्री विजयोर्भूति ध्रुवा नीतिर मतिर मम। यानी संजय ने दो टूक बात करके है बता दिया गया, ये कह दिया कि इस धरती पर जब जब कोई जीव अर्जुन भगवान कृष्ण को अपना सहायक बना लेगा, भगवान कृष्ण के चरणों में जाकर के खड़ा हो जाएगा, तब तब उस अर्जुन को इस धरती पर कोई जीतने वाला पैदा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, ये संजय ने कह दिया। समझदार आदमी होता धृतराष्ट्र तो युद्ध को उसी दिन रोक देता। बहुत बड़ी बात कह दी। अब यह बात हमारे और आपके ऊपर घटे आज के समय में, तो सीधी सी यह बात है कि अर्जुन जीव है और गांडीव उसका पुरुषार्थ है। ये जीव जब जब पुरुषार्थी बनेगा तब उसके जीवन के रथ में भगवान आके बैठ जाएंगे, उसके इंद्रिय रूपी घोड़ों की लगाम भगवान संभाल लेंगे। जीव पुरुषार्थी बने, अर्जुन है जीव, गांडीव है उसका पुरुषार्थ। और जब यह जीव पुरुषार्थी बनता है तब रथ क्या है? रथ जिंदगी है, जीवन है रथ। जिंदगी के रथ पर स्वयं भगवान सवार होते हुए अर्जुन के रथ में 10 घोड़े लगे हैं। ये 10 इंद्रियां ही तो 10 घोड़े हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। और जब जब आप पुरुषार्थ में जीवन जियोगे तब तब परमात्मा तुम्हारे जीवन के रथ में बैठकर तुम्हारी इंद्रिय के घोड़ों को संभाल लेगा
और जिसके इंद्रिय रूपी घोड़ों को परमात्मा ने संभाला है भैया, विकार उसके हावी, उसके ऊपर हावी नहीं हो सकते। और जिस दिन परमात्मा तुम्हारे जीवन को संभाल लेगा उस दिन आपको क्या क्या मिल जाएगा सुन लें। ये संजय ने बोल दिया है, सिर्फ मुक्ति ही नहीं और भी बहुत सी चीजें मिल जाएंगी। एक बार अपने आप को सौंप तो दो भगवान को, भगवान के बन तो जाओ किसी भी प्रकार से, क्या क्या मिलेगा भगवान के बनने में। हमारी जिंदगी की लगाम जब भगवान संभालेंगे तो क्या क्या मिल जाएगा। कहा तत्र श्री विजय और भूति द्रवा नीत्र मत्र ममा, उस दिन आपको श्री मिल जाएगी, वैभव मिल जाएगा, संपदा मिल जाएगी, कुटुंब मिल जाएगा, परिवार मिल जाएगा, खानदान मिल जाएगा, यश मिल जाएगा, मान मिल जाएगा, सम्मान मिल जाएगा। सम्मान नहीं मिला क्या पांडवों को? चार पुण्य श्लोकों में तो नाम युधिष्ठिर का आ गया और 12 विशेष नामों में अर्जुन का नाम आ गया। अर्जुन का नाम लेने से रोग नहीं फैलते, युधिष्ठिर का नाम लेने से भजन बढ़ जाता है, पूजा बढ़ जाती है। ये भगवान की ही वजह से ही तो ये सब हो गया। वह श्लोक है पद्म पुराण का, उसमें लिखा है पुण्य श्लोको नलो राजा, पुण्य श्लोको जनार्दन, पुण्य श्लोको चैदेही, पुण्य श्लोको युधिष्ठिर। युधिष्ठिर का नाम पुण्य श्लोकों में आ गया। अर्जुन का नाम उन विशेष 12 नामों में आ गया। तो आज श्रीमद भगवद गीता की प्राकट्य उत्सव तिथि है, तो मैं आप सभी भगवत भक्तों को बड़े आग्रह पूर्वक बहुत निवेदन के साथ कहना चाहूँगा, आप गीता का स्वाध्याय किया करें। गीता हमें कर्तव्य करना सिखाती है, गीता हमारा जीवन है।